कार्य के लिए कृत संकल्प हो गया। वह दिन था मित्रों 15 अप्रैल 1645। शिवाजी की अवस्था उस समय 15 वर्ष की थी। 15वें वर्ष में मित्रों को साथ लेकर के रोहिणेश्वर के मंदिर में जाकर के शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य के स्थापना की प्रतिज्ञा की है। केवल 15 वर्ष के शिवाजी, सारे के सारे उन मित्रों के भाव उस समय क्या हो गए, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, उठा कर धर्म का झंडा करे वो ध्यान भारत का, उठा कर धर्म का झंडा करे वो ध्यान भारत का, उठा कर धर्म का झंडा करे वो ध्यान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, पकड़ कर त्याग का झंडा रखेंगे भार भारत का, पकड़ कर त्याग का झंडा रखेंगे मान भारत का, पकड़ कर त्याग का झंडा रखेंगे मान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, जला कर कष्ट की होली, जला कर कष्ट की होली, जला कर कष्ट की होली, जला कर कर संत की डोली करे उद्धान भारत का, जमा कर संत की डोली करे उद्धान भारत का, जमा कर संत की डोली करे उद्धान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, स्वरों में
रक्त भारत का नयन में मूर्ति भारत की नसों में रक्त भारत का नयन में मूर्ति भारत की नसों में रक्त भारत का नयन में मूर्ति भारत की नसों में रक्त भारत का नयन में मूर्ति भारत की बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का धरेंगे ध्यान भारत का भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम हर हर महादेव ताम प्रार्थनाम हर हरे निशम्य नूनम प्रीता हरार्द तनुभाक सहसा भवानी स्थाणुं विहाय दुतभास्वर खड्ग रूप दोर्दंडमाश्रितवती प्रचलम शिवस्य। कैसी दिव्य कल्पना हमारे प्रज्ञा भारती जी ने की है। भगवान शिव के साथ शक्ति तो होती है। भगवान महादेव के मंदिर में हर हर महादेव की गर्जना करते हुए ये सारे छोटे छोटे बालवीर जब प्रतिज्ञा कर रहे थे तो प्रज्ञा भारती जी कहते हैं भगवान शिव जी के समीप विराजमान भवानी शिव जी से विदा होकर के उनकी अनुमति लेकर के एकदम आकर के शिवाजी महाराज के खड्ग में प्रविष्ट हो गई भवानी माता की। आप जब भगवान के कार्य का साधन बनते हैं ध्यान रखना भगवान की शक्तियां आपके भीतर प्रवेश करती है। यह बात नितांत सत्य है। अपने जीवन से अहम को निकाल दो मम को निकाल दो अंतरंग को खाली करो तो भगवान की शक्तियां आकर के आपके व्यक्तित्व का संचालन करने लग जाती है। देवी प्रतीक्षा करती है किसी माध्यम की। स्थाणुं विहाय धृतभास्वर खड्ग रूपा दोर्दंडमाश्रितवती प्रचलम शिवस्य। शिवजी से विदा होकर के भगवती भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज के खड्ग में आकर के विराजमान हो गई। अब यह खड्ग सामान्य खड्ग नहीं है, इसका नाम भवानी तलवार हो गया। उस तलवार का ही नाम भवानी। ये सारे के सारे छत्रपति शिवाजी महाराज के आसपास के मावल प्रदेश में से पुणे के परिसर में मावल प्रदेश है। छोटे 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 12 स्थान है, उनको 12 मावल कहते हैं। और ये पर्वतीय भाग है, उसमें से प्रायः आए हुए ये बालक कैसे हैं? सटीक वर्णन सुन लो। पराक्रमे महासिंहा हरिणास्तु पलायने। ये जब आक्रमण करते हैं तो सिंहों के समान लगते हैं, लेकिन जब भाग जाते हैं तो हिरणों के समान भाग जाते हैं। अरे भागना भी आना चाहिए। भागना नहीं आया इसलिए रजपूत मरे बेचारे, इसलिए जीवन में भागना भी सीखो।
और कहीं सीखना नहीं आया तो भगवान श्री कृष्ण से सीख लो। वे दो बार भागे हैं और भगवान श्री कृष्ण आपको यदि प्राचीन पौराणिक पात्र लगते हो तो शिवाजी महाराज से सीख लो। उन्होंने तो एक नया तंत्र ही खड़ा कर दिया, जिस तंत्र के कारण मुट्ठी भर मावले, ये मुट्ठी भर मराठा सैनिक म्लेच्छों की बड़ी बड़ी सेनाओं पर भी भारी हो गए। पराक्रमे महासिंहा हरिणास्तु पलायने। मूल बात क्या है, देखो प्रतिज्ञा तो कर ली, बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। केवल प्रतिज्ञा करके काम नहीं होते हैं, प्रतिज्ञा करके काम हो जाते तो अपने भी काम हो जाते। हम भी कितनी बार प्रतिज्ञा करते हैं, एक बार एक सज्जन ने गंगा जी के तट पर आए थे तो प्रतिज्ञा की कि मैं आज से स्मोकिंग नहीं करूंगा। अच्छी बात है, कोई भी आदमी करता है अच्छी प्रतिज्ञा, बुराई का त्याग। तो उसने प्रतिज्ञा की मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा, स्मोकिंग नहीं करूंगा। तो उनके पास में उनका एक मित्र खड़े थे, उसने कहा क्या किया तुमने? कहा मैंने प्रतिज्ञा की। उसने कहा मैं तो प्रतिज्ञा कितनी बार कर चुका हूं, कितनी बार कर चुका हूं का इस अर्थ ध्यान में आया ना आपको? अनेक बार कर गया, पालन मुझसे नहीं हुआ। प्रतिज्ञा से काम केवल नहीं होता है, प्रतिज्ञा आवश्यक है लेकिन प्रतिज्ञा पर्याप्त नहीं है। प्रतिज्ञा के साथ साथ पुरुषार्थ, दृढ़ संकल्प और गुण संपदा की आवश्यकता होती है। जब मैंने अपना जीवन मेरे राष्ट्र के लिए अर्पित किया है या कोई साधक भगवान के लिए अर्पित करता है तो अपने आप ही उसे कुछ कुछ नियमों के पालन करने की और कुछ गुण अपने में विकसित करने की आवश्यकता होती है। अब सैनिकों के कौन से गुण होने चाहिए इसको समझ लो। पराक्रमे महासिंहा, पराक्रम करने में जब वे टूट पड़ते हैं तो सिंह के समान टूट पड़ते हैं, लेकिन जब भागने का समय होता है तो हिरणों के समान भाग जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब भाग गए। मूषका गूढ़ संचारे, जब खुफिया बनकर के और शत्रु के हलचल की सारी बात जाननी होती है तो मूछ का गुड़ संचारे चुपचाप 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 पता नहीं कहां से आकर के और सारी की सारी वार्ता पहुंचा देते शिवाजी के पास। मूछ का गुड़ संचारे वीरास्ते शिव सैनिका पराक्रमे महासिंहा हरिणास्तु पलायने। मूछ का गुड़ संचारे वीरास्ते शिव सैनिका वायसा रंध्र विच्छेदे। कहीं पर भी घुसना हो ना तो छोटी सी सुरंग में से भी पता नहीं कैसे घुस जाते हैं। वायसा रंध्र विच्छेदे कोकिला कलभाषणे, जब मीठी मीठी बात करनी हो ना, चिकनी चुपड़ी बात करनी हो ना, शत्रु के साथ भी क्यों ना हो, तो ऐसा लगता है कि अरे क्या भाषण है, कितना मीठा बोलते हैं। शिवाजी महाराज इन सारे गुणों में प्रवीण थे, एक एक के सामने उन्होंने कैसा कैसा भाषण किया है। अफजल खान के सामने वाह, आप तो हमारे ताऊ जी के समान है, आपकी मुझे आशा है, आपके स्वागत के लिए मैं तरस रहा हूं, मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मैं अपनी तलवार आपके चरणों में अर्पित करके आपको मुद्रा करूं। ये बात शत्रु के अहंकार को भी फुलाना पड़ता है,
तो उस पागल अब्दुल खान को लगा कि शिवाजी सही बोल रहा है, डर गया मुझसे। शिवाजी वैसा नहीं था, he was much more wise. लेकिन कोकिला कलभाष, कृष्ण भगवान भी तो ऐसे थे। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमिहति रधर सीधुना प्याय स्वन। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, मीठा बोलना सीखना हो तो कृष्ण भगवान से सीखना, वेरी वेरी स्वीट। किसके साथ कैसा मीठा बोलना चाहिए उनको पता है, कितने समय तक बोलना चाहिए उसका ये भी पता है, और कब सामने वाले को गिरा करके उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए ये भी पता है। लेकिन पहले मीठा बोलना आना चाहिए। देखो राजनीति यही कहती है, इसलिए कृष्ण की बिहेवियर पर मैंने 5 व्याख्यान दिए, कृष्ण नीति, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, उनका व्यवहार किसके साथ कैसा कैसा होता था। सभी के साथ समान व्यवहार कभी नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस इट चेंजेस। परिस्थिति कैसी है और हमारा संबंध कैसा है इसके अनुसार वो बदलते जाता है, और ये सब के सब आयाम कृष्ण भगवान में मिलते हैं। कोकिला कलभाषणे भ्रमरा संततोद्योगे, निरंतर कुछ 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 काम में लगे रह रहे ये मावले। गरुड़ा इव सर्पाणाम वानरा इव रक्षसाम, सापों के सामने जैसे गरुड़ और राक्षसों के सामने जैसे वानर, वैसे यवनों के सामने ये मावले, ये मराठा वीर बलाका इव मीनानाम म्लेच्छानाम शिव सैनिका। पूर्व जन्म दृढ़ाभ्यासात जन्म सिद्धाम कलाम पुनः तुंग वृक्षाग्र संचारैर दर्शयन्तस्तमस्वपि। रात्रि के समय में भी पेड़ के ऊपर कैसे वेग से चढ़ करके जाना, कैसे वेग से उतर करके आना, ऊंचे स्थान से भी कैसे कूद पड़ना, इन सभी बातों में वे प्रवीण हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कमिटमेंट, शिव सेवा परो धर्म। इन सब बालकों को शिवाजी अपने सर्वस्व लगते थे, सर्वस्व। सभी के अंतकरण में शिवाजी बसे हुए थे। शिव सेवा परो धर्म शिवराजो महेश्वर। यदि जीवन में महान कार्य होना है मित्रों, तो कहीं न कहीं श्रेष्ठ स्थान में अपनी निष्ठा पूरी तरह बंधी हुई होनी चाहिए।